हमीरपुर में कोरोना के चलते एक युवक ने गले मिलने से इनकार करने पर नशेड़ियों ने बुरी तरह से पीट डाला है। युवक को मुंह और शरीर पर गहरी चोटें लगी हैं तो युवक की नाक की हड्डी भी टूट गई है, जिसके चलते युवक हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। वहीं हमीरपुर पुलिस ने भी मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार युवक मैकेनिक गांव गुंबर का रहने वाला है। पीड़ित युवक के भाई सन्नी ने बताया कि रात को फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि भाई के साथ दुकान पर मारपीट की गई है। उन्होंने बताया कि जब मेरा भाई दुकान पर बैठा हुआ था तो गले मिलने से इनकार करने पर पिटाई कर दी है और उस पिटाई में नाक की हड्डी टूट गई है। नाम क्या आपका? सन्नी कुमार। सर, कल एक्चुअली हम शाम को घर में थे तो मेरे को अचानक मैसेज आया कि आपके ब्रदर को किसी ने पीट लिया। जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे मैंने देखा कि उसको पूरी तरह पीटा हुआ है, और जब उसको हम हमीरपुर ले आए और वहाँ पे FIR लॉज कर दी। उसके बाद भी हमने, जब मेरा भाई होश में आया तो उसने पूरा कहानी बताई कि मेरे को कैसे क्या हुआ। उसने बताया कि मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, वहाँ पर कुछ अज्ञात लोग आए और वो उनको जबकि बाड़ने लग पड़ा, और उसने रोका कि भैया आजकल कोरोना है, मत मेरे को टच करो, और उन्होंने उसके साथ मार कुटाई कर दी। इसमें वो 3-4 पर्सन हैं जो इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने इतना ज़्यादा पीटा है कि उसकी आँख और उसके नाक की हड्डी भी टूट गई है, सिर वगैरह में गंभीर चोटें आई हैं, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस की तरफ से। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या चाहते हो? सर, हम तो ये चाहते हैं कि कोई कार्रवाई हुए, जो लड़कियां बाहर घूम रहे हैं ऐसे, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करे। गाँव कहाँ आपका? सन्नी कुमार। गाँव गुमर। मारपीट में घायल हुए पंकज कुमार उर्फ रिंकी ने बताया कि दुकान पर कुछ युवक आए और बिना वजह से मारपीट करके चले गए हैं। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत पुलिस में करवाई है और जल्द इन युवकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नाम क्या आपका? क्या हुआ था आपको? मेरे को लड़काया और सीधा मेरे को चक्की लगा डालने, मेरा घर का है, घर भी बताया पड़ता भी मान नहीं। SHO हमीरपुर संजीव गौतम ने बताया कि पीड़ित युवक का मेडिकल करवाकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपी युवकों की तलाश कर रही है। एक विपिन शर्मा हैं, इन्होंने शिकायत दी है हमारे पास कि ये वहाँ पे शॉप करते हैं लंबू में, और इन्हें कुछ लोगों ने पिछली रात इनको मारपीट करी है, और तीन लोगों ने इनके साथ मारपीट करी है, तो उसमें हमने रेलेवेंट सेक्शन ऑफ लॉ में मुकदमा दर्ज किया है। दो लोग इसमें बाई नेम हैं और तीसरे को बाई फेस पहचानते हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी दे विल बी राउंडेड अप। इनका मेडिकल वगैरह करवा लिया गया है, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज की गई हैं, और इन्वेस्टिगेशन में जैसे ही आता है दे विल बी बुक्ड अंडर लॉ। ठीक है।